नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम फॉर हॉट एंड वेट वेदर के बारे में। पहले हमने डिस्कस किया था समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम फॉर हॉट एंड ड्राई वेदर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे हॉट के साथ साथ अगर वेट वेदर हो, यानी कि बाहर गर्मी भी हो, हॉट हो, और वेट यानी कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है एयर के अंदर काफी ज्यादा हो, वाटर के पार्टिकल काफी ज्यादा हो, तो इस तरह के लिए किस तरह का जो समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो काम करता है। तो ये फिगर बनाई है हमने, इसको समझते हैं, पहले इसके पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले ये लगे हैं यहाँ पे एयर डैम्पर्स, ये है एयर डैम्पर्स। एयर डैम्पर्स का फंक्शन क्या है? जो एयर आएगी एटमोस्फियर से, एटमोस्फियर एयर आएगी, ये एटमोस्फेरिक एयर है, इन डैम्पर से होके गुजरेगी। तो एयर डैम्पर जो है इसकी क्वांटिटी को रेगुलेट करते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमें अंदर देनी है, यानी कि कितनी सप्लाई ऑफ एयर हमें अंदर भेजनी है। तो एयर डैम्पर से होके जब ये जाएगी तो ये जाएगी एयर फिल्टर के पास, एयर फिल्टर के पास। तो एयर फिल्टर क्या करेगा? एयर फिल्टर इसके अंदर जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको अच्छी तरह से फिल्टर कर देगी, जो एयर को, और उनको रोक के जो फॉरेन मटेरियल है इस क्लीन एयर को आगे भेज देगी। तो फिल्टर से गुजरने के बाद जो एयर है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। अब देखिए, ये है कूलिंग कॉयल, जो ये लगाई गई है ये कूलिंग कॉयल है। इस कूलिंग कॉयल के अंदर जो कूलेंट है वो फ्लो करता है, तो इस कूलिंग कॉइल के अंदर कूलेंट फ्लो करेगा और इस कॉइल को ठंडा करेगा। अब जब ये जो हॉट एयर है और जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, यानी कि जो वाटर के पार्टिकल भी इसके अंदर ज्यादा है, जब वो इस कूलिंग कॉइल के कॉन्टेक्ट में आएंगे, इस कूलिंग कॉइल को हम काफी ज्यादा ठंडा करते हैं ताकि जो एयर है जिसके अंदर वाटर के पार्टिकल है जब वो इससे टकराए, इसके ऊपर से गुजरे, तो क्या हो, जो उसके अंदर वाटर के पार्टिकल है वो कंडेंस हो जाए, यानी कि जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है उससे नीचे इसको ठंडा करते हैं ताकि जो ये एयर के अंदर वाटर के पार्टिकल है वो कंडेंस होकर इस कोयल से चिपक जाते हैं, यानी कि जो इसके अंदर वाटर जो पार्टिकल्स थे उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है एयर के अंदर। तो इसको हम, इसकी जो कूलनेस है इतनी रखते हैं ताकि अच्छी तरह से ये इसके वाटर के पार्टिकल को एक्सट्रैक्ट कर सके, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, जितनी हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए उस एयर की। तो जो वाटर है वो ड्रोपलेट्स के रूप में इससे चिपक जाते हैं और उनको हम अलग इकट्ठा कर लेते हैं। अब जो वाटर के पार्टिकल्स थे उसके अंदर वो भी कम हो गए एयर के, और जो एयर का टेम्परेचर है इस कूलिंग कॉइल से गुजरने के बाद वो काफी लो हो जाता है, यानी कि एयर जो है काफी ठंडी हो जाती है। लेकिन जो ये ठंडी एयर है जब कूलिंग कॉइल से गुजरती है तो हमारी कंफर्ट जोन में नहीं आती, यानी कि इससे हमें थोड़ी कम जो ठंडी चाहिए एयर, तो ठंडी एयर को हमें थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। तो इसको, जो ठंडी एयर होगी, हम इसको गुजारते हैं हीटिंग कोयल से। ये हीटिंग कोयल है। हीटिंग कोयल क्या करती है? जो बिल्कुल ये ठंडी एयर है क्योंकि हमने इसको काफी ज्यादा जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर था उससे नीचे ठंडा किया है, तो काफी ठंडी एयर होगी, तो इसको थोड़ा सा, इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा हाई करने के लिए तो हम हीटिंग कोयल का यूज करते हैं। तो ये जो एयर है हीटिंग कोयल से गुजरती है, और ये जो हीटिंग कोयल है हम इसकी जो रेजिस्टेंस है कोयल का इस तरह से मेंटेन करते हैं कि ये रिक्वायर्ड अमाउंट में ही इसके टेम्परेचर को ठीक कर सके, रिक्वायर्ड अमाउंट में इसके टेम्परेचर को बना सके, और फिर जितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए हमें एयर का जो कि कंफर्ट जोन के लिए होता है रिक्वायर्ड कंडीशन में, तो इस एयर का उतना टेम्परेचर बना के आगे भेज दिया जाता है, और फिर इसको आगे भेज दिया जाता है कंडीशन स्पेस के पास जहां पे हमें भेजना है। तो इस तरह से हॉट एंड वेट वेदर के लिए समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर ये पार्ट्स यूज किए जाते हैं ताकि जो कंफर्ट जोन है वो क्रिएट किया जा सके। तो ये था समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम फॉर हॉट एंड वेट वेदर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।